ओके। और देखो डाउट किसी को भी, कोई भी डाउट है कोई पूछना है तो फिर आपकी डाउट क्लास है ना शाम को, उसमें आ जाइए, उसमें आप अपना डाउट मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं उस टाइम शाम वाली डाउट वाली क्लास में वो सॉल्व करके आपको दे दूंगा, यानी समझा दूंगा लाइव क्लास में जिसका जो भी डाउट होगा। लेकिन वो पहले मुझे आप व्हाट्सएप कर दो जो भी आपका डाउट है, और फिर उस डाउट क्लास में वो क्वेश्चन कराया जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फिफ्थ क्वेश्चन कर ही लिया, अब चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया, लेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इस पूरे की पावर एक्स, फिर प्लस में एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन। देखो दोनों में फंक्शन की पावर फंक्शन, इसलिए इसको u प्लस वी एज्यूम कर लिया, u प्लस वी। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या बन गया, dy बाय dx, इधर du बाय dx, इधर dv बाय dx, और ये हो गई हमारी इक्वेशन वन। ठीक है, अब आते हैं, ये तो इक्वेशन वन, अब देखिए u क्या एज्यूम किया, वेयर u इक्वल u है x प्लस वन बाय एक्स, इस पूरे की पावर x। ठीक है, तो अब इसको निकालते हैं, अब क्या करें डिफरेंशिएशन करने के लिए, हम क्या करें लोग लेते हैं, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों में मैंने लोग ले लिया, इधर तो बन गया लोग यू, इधर लोग एक्स प्लस में वन अपॉन एक्स और इस पूरे की पावर एक्स। अब क्या होगा, ये वाला जो एक्स है ये वाला एक्स यहां आगे आएगा है ना, तो देखो यहां बन गया एक्स इनटू में लॉग एक्स प्लस में वन बाय एक्स, इधर है लॉग यू। अब क्या करें डिफरेंशिएशन करते हैं, कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो देखो लॉग यू का तो पहले लॉग का किया तो वन बाय यू, फिर यू का किया तो डी यू बाय डी एक्स, फिर इक्वल टू में, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लागू होगा। देखो दो फंक्शन है, एक फंक्शन तो x हो गया और एक फंक्शन ये पूरा का पूरा हो गया log x प्लस वन बाय एक्स। क्या आवाज नहीं आ रही, आवाज तो चेक करता हूँ, आवाज तो फुल है, सही है एकदम। तो अब जिसको आवाज नहीं आ रही वो अपना वो देखे, उसके कनेक्शन में प्रॉब्लम है बेटा, नेट में दिक्कत है उसके, क्योंकि यहाँ पर तो एकदम सही है। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, x तो एज इट इज, तो डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग फिर एक्स प्लस वन बाय एक्स, ठीक है इसका डेरिवेटिव, फिर प्लस में इस बार ये एज इट इज लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स एज इट इज लिख दिया, तो डेरिवेटिव किसका x का, तो इधर से हो गया ये डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू यू, फिर एक्स अब करें लॉग का, पहले लॉग का होगा तो एक्स प्लस में वन बाय एक्स, फिर लॉग के अंदर वाले फंक्शन का होगा एक्स का वन, वन बाय एक्स का माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लॉग
एक्स प्लस वन वाई एक्स, और एक्स क्या एक्स के रिस्पेक्ट में वन। और सिंप्लीफाई करें, यू की वैल्यू में वापस पुट कर दूं, यू की वैल्यू थी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल टू द पावर एक्स। यहां पर अगर मैं एलसीएम लूं तो देखो ये तो बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहां बन गया वन माई सॉरी एक्स स्क्वायर ऑफ, यहां बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स, फिर देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल टू द पावर एक्स, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, जो बचा उसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर प्लस में लॉग एक्स प्लस में वन अपॉन एक्स, ये आ गया मेरे पास डी यू बाय डी ए। ठीक है, अब जैसे डी यू बाई डी एक्स निकाला है वैसे ही अब निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स। तो देखिए अब चलते हैं वी पे, वी क्या एज्यूम किया था एक्स की पावर वन प्लस में वन अपॉन एक्स, तो इसमें भी लॉग लिया दोनों साइडों में, यहां लिखा नाउ लॉग वी, फिर लॉग एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, तो इधर तो लॉग वी, इधर वन प्लस वन बाय एक्स, देखो ये आगे आ गया वन प्लस वन बाय एक्स फिर लॉग एक्स। अब इसमें इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, इसमें कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो देखिए क्या बनेगा इधर, या नेक्स्ट पेज भी चलते हैं देखते। लॉग वी का वन बाय बी डी वी बाय डी एक्स फिर इक्वल, अब देखो जरा इधर था वन प्लस वन बाय एक्स और लॉग एक्स, तो पहले तो वन प्लस वन बाय एक्स ये तो एज इट इज, फिर डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर log x एज इट इज, तो d by dx of 1 plus 1 by x, ये क्या लिया हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। यहां से देखो dv by dx की वैल्यू v फिर इनटू में ये 1 plus 1 by x तो एज इट इज, log x का 1 by x, फिर प्लस में log x, फिर इस वन का तो हो गया जीरो, वन बाय एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर वी की वैल्यू पुट करें, वी की वैल्यू देखो क्या थी, वी की वैल्यू थी एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, वी की वैल्यू है एक्स की पावर वन प्लस में वन बाय एक्स, इधर वन बाय एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो देखो एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में लॉग एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स की पावर वन प्लस वन बाय एक्स माइनस टू, फिर एक्स प्लस वन माइनस में लॉग एक्स, ये नीचे देखो एक्स स्क्वायर था कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन था, तो उसको लिखा एक्स की पावर माइनस टू और वो माइनस टू, यहाँ एक्स की पावर वन प्लस वन बाय एक्स बेस सेम था तो पावर को क्या कर दिया एड कर दिया हमने, ये बन गया यहाँ पर x की पावर 1 अपॉन x फिर माइनस वन फिर x प्लस वन माइनस लॉग x। ठीक है, तो ये आ गया dv बाय dx।
अब पुट वैल्यू ऑफ du बाय dx एंड dv बाय dx इन इक्वेशन वन इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू। वन इक्वेशन ये थी, देखो dy बाय dx ये dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx प्लस में dv बाय dx, तो इसमें वैल्यू पुट करें तो dy बाय dx इक्वल टू, पहले आएगा du बाय dx, तो du बाय dx देखो ये रहा x प्लस वन अपॉन x की पावर x, ये लिख देते हैं यहाँ पे कि x प्लस अब ये सतीश बोल रहा है कि आवाज कट कट के आ रही है, बताओ अभी सभी क्या ऐसा ही है क्या? मुझे लगता है बीच में कुछ लोग ऐसे तो नहीं जो मजे लेने लग जाते हैं कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। x प्लस वन बाय x की पावर x, नो सर क्लियर, अच्छा कभी कभी कट रही है, चलो ठीक है, थोड़ी थोड़ी कट रही है, कट जाती है, चलो देखते हैं। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस, यहां बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर प्लस में लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स, फिर प्लस में लॉग एक्स प्लस में वन बाय एक्स, फिर प्लस ये डी यू बाई डी एक्स, अब ये रहा डी वी बाई डी एक्स, एक्स की पावर वन बाय एक्स, फिर माइनस वन इनटू में एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। कुछ नहीं देखो, सिंपल क्वेश्चन ही है बिल्कुल, हाँ बस थोड़े से लेंथी हैं लेकिन है आसान। बोलो किसी कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आ गया सभी को? स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका सभी, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूं, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, अब मैं स्क्रीन क्लियर करने जा रहा हूं, पहले वाला पेज और दिखाना, ये लो पहले वाला पेज, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट भी इसी टाइप का ही है, क्वेश्चन नंबर सेवन, लॉग एक्स की पावर एक्स, देखो क्वेश्चन नंबर सेवन, इसमें लेट वाई इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स, फिर प्लस में एक्स की पावर लॉग एक्स, प्लस में एक्स की पावर तो इसका भी प्रोसीजर वही है, देखो इसको u प्लस v एज्यूम कर लिया,
कि लेट वाई इक्वल टू यू प्लस वी, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यहाँ लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस में डी वी बाई डी, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर वन। अब ये तो ये हो गए, अब आते हैं यू पे। यू क्या था? लॉग एक्स की पावर एक्स, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो क्या करें, दोनों साइडों में लॉग लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग यू इक्वल टू लॉग, फिर लॉग एक्स की पावर एक्स। अब पावर जो थी ये आगे आएगी यहां पर, ठीक है, तो यहां लिख दिया हमने एक्स इन टू में लॉग लॉग एक्स, इधर लॉग यू। अब क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस लॉग यू का किया तो वन बाई यू, फिर यू का किया तो डी यू बाय डी एक्स, इधर एक्स तो एज इट इज, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स, फिर लॉग लॉग एक्स एज इट इज, तो इस बार डी बाय डी एक्स ऑफ किसका, एक्स का, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो यहां बना डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू, फिर एक्स पहले वाले लोग का क्या होगा, वन अपॉन लोग एक्स, फिर अंदर वाले लोग का होगा तो वन बाय एक्स, फिर प्लस में लोग लोग एक्स एज इट इज, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वो हो गया वन, वैल्यू पुट करी तो यू यू की वैल्यू पुट करें, यू की वैल्यू क्या थी, लॉग एक्स की पावर एक्स, ठीक है, इधर इस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वन बाय लॉग एक्स प्लस में लॉग लॉग एक्स, ये तो हो गया डी यू बाय डी एक्स, ठीक है। अब चलते हैं डी वी बाय डी एक्स, बी क्या चीज है, बी हमने एज्यूम किया है एक्स की पावर लॉग एक्स, यहां लिख दिया नाउ, इसमें दोनों साइडों में लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग वी इक्वल टू लॉग, फिर एक्स की पावर लॉग एक्स, इस बार अब ये आगे आ जाएगा यहां पर, तो लॉग एक्स इधर क्या बचा, लॉग एक्स लॉग वी, तो लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स क्या हो गया, लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो गया, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन करते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग एक्स का तो वन बाय एक्स, सॉरी लॉग वी का वन बाय वी आऊंगा, लोग वी का वन बाय वी डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। फिर पहले पावर का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो टू लोग एक्स, फिर लोग एक्स का करेंगे तो वन बाय एक्स, यहां से डी वी बाय डी एक्स आया हमारे पास वी, वी का मतलब एक्स की पावर लोग एक्स इंटू में टू लॉग एक्स डिवाइड में, तो इसको मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स की पावर लॉग एक्स फिर माइनस वन और इनटू में टू लॉग एक्स, यानी जो डिवाइड में था उसको क्या लेंगे हम, न्यूमरेटर में लेंगे, अब चलते हैं डी यू बाई डी एक्स आ गया, डी वी बाई डी एक्स आ गया, तो इसको इक्वेशन वन में पुट कर दें, मैंने यहां लिखा, देखो
पुट वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट करें इसको। अब इक्वेशन वन में पुट करें देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या बना, डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स ये निकाल रखा है, देखो लॉग एक्स की पावर एक्स इंटू में वन अपॉन में लॉग एक्स प्लस में लॉग लॉग एक्स, फिर प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स की पावर लॉग एक्स माइनस वन इंटू में टू लॉग एक्स, ये आंसर होगा। किसी को कोई डाउट बोलो, इलेवेंथ क्लास में सारे करा रखे हैं पहले आपको, मैंने इसीलिए आपको इलेवेंथ में करा दिया था ताकि ट्वेल्थ में दिक्कत ना आए, एक बार आप ये इलेवेंथ में कर चुके हो सारे सारे के सारे क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लो इसका फिर आगे बढ़े। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? क्या बात, आवाज नहीं आ रही क्या? वही सारी है सभी को? अच्छा वॉइस कट रही बीच बीच में। चलो मैं चेक करता हूँ वॉइस बोए एक बार। चलो ठीक है, अब ये बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? एक चीज और बताता हूं, देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लेना ये इतना इतना हमने सॉल्यूशन निकाला है, इसको और भी सोल्व करके लिख सकते हैं ऐसे। देखो लॉग एक्स की पावर एक्स, फिर इसमें एलसीएम ले लिया तो वन प्लस लॉग लॉग एक्स इनटू में लॉग एक्स और इस पूरे के डिवाइड में लॉग एक्स ऐसे लिख दिया, फिर ये लॉग एक्स यहां आ जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स माइनस वन, ठीक है, और इनटू में वन प्लस लॉग लॉग एक्स फिर इनटू लॉग एक्स ऐसे, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हो सकता है बुक में ये आंसर दिया हो, बुक में यहां पर इसकी जगह ये लिखा हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं।
चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़े। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये आप खुद करना। जो क्वेश्चन नंबर 8 है ऐसे लिखा है साइन एक्स इस पूरे की पावर एक्स, फिर साइन इनवर्स रूट एक्स, ये लिखा हुआ है। तो ये आपको खुद को करना होगा। कैसे करोगे? जैसे अब तक करते हैं, इसको यू मान लिया, इसको भी मान लिया, ठीक है। पहले इसको वाई, मैं बस हिंट दे रहा हूं, करा नहीं रहा पूरा, वाई इक्वल टू यू प्लस वी, फिर उसके बाद वही डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस में डी वी बाई डी एक्स, फिर आपने यू माना है इसको साइन एक्स की पावर एक्स, वी माना है आपने साइन इनवर्स रूट एक्स को। तो यहां से तो लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेके सोल्व करोगे डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा डिफरेंशिएशन कर देना, क्योंकि लॉग तो तब जरूरी है जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, बट यहां पर तो फंक्शन की पावर फंक्शन है ही नहीं, तो यहां जरूरत नहीं है लॉग। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 8। फिर उसके बाद देखिए 9 भी खुद ही करोगे, 8 9, हाँ 8 और 9, चलो 10th में कराया था। देखो क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इक्वल टू x की पावर x cos x, x की पावर x cos x, फिर प्लस में x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में x स्क्वायर माइनस, ये है। तो इसको भी वही करना है, u प्लस v अज्यूम कर लिया, ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन गया dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, फिर प्लस में डी वी बाई डी एक्स, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1। तो u है x की पावर x cos, इसमें log लिया तो यहां लिखा टेकिंग log on both side, इधर तो बन गया log u, इधर log, फिर x की पावर x cos x, x cos x आगे आ जाएगा, फिर क्या बन गया log x, इधर log u। अब डिफरेंशिएशन करते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देखो डिफरेंशिएशन यहां ऊपर कर रहे हैं, log u का 1 बाई u, तो u का du by dx, इधर x cos x as it is लिख दिया मैंने, log x का डेरिवेटिव कर दिया 1 बाय x, फिर प्लस में x log x को as it is किया, cos x का कर दिया माइनस साइन x, फिर cos x log x को as it is लिख दिया, x का कर दिया x के रिस्पेक्ट में 1, यहां ये कैंसिल, तो du by dx इक्वल टू u, फिर cos x माइनस x log x sin x, फिर प्लस में cos x इंटू में log x, ये तो ये बन गया, u की वैल्यू वापस पुट करूं मैं, x की पावर x cos x ये बना cos x
माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स लॉग एक्स, ठीक है, ये तो हो गया डी यू बाई डी एक्स। अब ऐसे ही हम निकालें वी, वी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसमें तो लॉग लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू यू बाई वी लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का कर दिया तो टू एक्स, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का किया तो वो भी टू एक्स, तो टू एक्स कॉमन, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो देखो ये कैंसल, ये पूरा बन गया माइनस का फोर एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास डीवी बाई डी एक्स। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ डीयू बाई डी एक्स एंड डीवी बाई डी एक्स इन इक्वेशन, तो इक्वेशन वन में वैल्यू पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बना, देखो एक्स की पावर एक्स कोस एक्स, फिर इनटू में कोस एक्स माइनस में एक्स लॉग एक्स, फिर साइन एक्स, फिर प्लस में कोस एक्स लॉग एक्स, फिर माइनस में फोर एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस वन, इस पूरे का होल, ये हो जाएगा इस पूरे का आंसर। अब बोलो इसमें कोई दिक्कत, सभी को समझ में आ गया है? क्लियर है ना सभी को? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आपको।